हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बुटीक टाइम्स में। आज मैं आपके साथ है, देखिए ये जो ब्लाउज होता है, आपके पास भी ऐसे ब्लाउज आते होंगे, तो इनको हम किस तरीके से स्टिच करेंगे। मेरे जो कस्टमर है इसको बहुत ज़्यादा डीप नेक चाहिए, तो इस पर ये गला बना हुआ है, इससे बड़ा हम नहीं कर सकते। अगर बड़ा करेंगे तो इसका डिज़ाइन बिगड़ जाएगा। तो देखिए इसको हम किस तरीके से डीप नेक बना सकते हैं, तो इसका बहुत ही सुंदर डिज़ाइन हमारा बनेगा। इसका फाइनल लुक भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो चलिए पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए ये ब्लाउज का इनर है, ये हमने कट कर लिया है, और इस आगे की जो शेप है वो हमने कट नहीं की है, ये हम बाद में करेंगे। एक बार इसको देखिए, ये जो इसकी बाजू है इसको अलग कर लेते हैं, और इस जो पार्ट है इसको भी हम अलग कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसको हम कट करेंगे। सबसे पहले तो इसको यहाँ से डबल फोल्ड करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने इसको अच्छे तरीके से सेट कर लिया है। अब हमने जो इनर वाला कट किया है हिस्सा, उसको लेंगे, इसके ऊपर रख देंगे। तो ये देखिए ये जो नीचे वाली ये पट्टी है इसकी, ये हम इसको अलग कर लेंगे बाद में, हाँ, क्योंकि ब्लाउज हमें सिर्फ इतना ही तैयार करना है। तो ये हमारी नीचे जा रही है, तो इसको हम पहले अलग करेंगे। तो सेम इसी तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। अगर आपको प्रिंस कट ब्लाउज कट करना भी नहीं आता, तो इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड है, आप उसे देखकर भी प्रिंस कट ब्लाउज कट करना सीख सकते हैं। तो ऐसे ब्लाउज हों अगर आपके पास, जिनमें फ्रंट और बैक इस तरीके से डिज़ाइन में हो और डीप नेक करना हो, तो ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो ये देखिए ये हमने कट कर लिया है। ये जो पट्टी होगी ये हम इसमें बाद में अटैच करेंगे। अब मेन जो इसका है बैक वाला, वो लेंगे। तो देखिए बैक वाला जो इस तरीके से है, अगर कोई इतना पहनना चाहे तो ये एकदम ठीक है नेक, लेकिन इससे ज़्यादा डीप पहनना है तो हम उसको डिज़ाइन किस तरीके से अलग क्रिएट करेंगे, तो वो देखिए। तो इसको यहाँ से भी फोल्ड कर लेंगे बीच से। बहुत से ऐसे डिज़ाइन होते हैं, या सूट ब्लाउज अलग अलग डिज़ाइन होते हैं, जिनकी हर की मैं वीडियो नहीं बना पाती, तो उनको मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पर डाल देती हूँ। तो मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, वहाँ पर भी आपको बहुत से डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। तो मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। तो देखिए इसको हम इस तरीके से रखेंगे। ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला, लेकिन हम क्या करेंगे, ये नीचे वाला हिस्सा करेंगे, ये ऊपर वाला। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये नेक बनेगा। तो जितना हमें नीचे चाहिए उतना हम रखेंगे। तो यहाँ से मैं इसको कट कर देती हूँ। तरीके से ये हमारा कट हो चुका है, और जो ये नीचे वाली ये पट्टी बची है हमारी, ये हम नीचे की तरफ यहाँ पर लगा देंगे। ये ब्लाउज हमारा कट हो चुका है, तो कटिंग के बाद स्टिचिंग जाते हैं। यहाँ पर देखिए हम ये पट्टियाँ इस तरीके की हमने कट की हैं, जो हम बैक पार्ट में लगाएंगे, तो इनको स्टिच कर लेते हैं। इसकी जो लंबाई है वो हमने देखिए 22 इंच के करीब रखी है, तो इनको सील देते हैं। टूल लें उसकी हेल्प से हम इसको रिमूव कर लेते हैं। तो ये हमारी दोनों स्ट्रैप सिलकर तैयार हो गई हैं। अब इसके बाद हम बैक पार्ट है उसको रेडी कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक सिंगल फुट जितना मार्जिन रखते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हम कट लगाएंगे। अब इसके बाद हम इसको इस तरीके से करेंगे। अब इसके ऊपर देखिए जो मार्जिन होगा वो हमारा इनर की तरफ होगा, और एक धार स्टिच हम यहाँ पर लगा, तो हम देखिए थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालेंगे, सिर्फ इतना ही, इतना इनर हम बाहर की तरफ निकालेंगे और फिर ये स्टिच लगाएंगे। देखिए सिलाई हमारी लग गई है, एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा उसको कट कर देंगे। इसमें भी हम देखिए राउंड में कट लगाएंगे। देखिए इसको हम यहाँ से इस तरीके से निकालेंगे। अब इसके ऊपर भी हम यहाँ पर जो हमारा मार्जिन होगा वो इनर की तरफ करेंगे, और एक धार स्टिच हम इसके ऊपर लगा देंगे। जहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा वहाँ तक हमें ये स्टिच लगानी है। अब हाफ स्टिच हम इस तरफ से लगाएंगे, क्योंकि आगे हमारी
जो मशीन है वो अंदर की तरफ नहीं जा रही थी। तो देखिए ये हमारा बैक पार्ट है, वो इसकी नेक की स्टिचिंग हो चुकी है। अब इसके बाद देखिए हम एक बार लेंथ इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं, इतना एक्स्ट्रा है उसको हम यहाँ पर कट कर देंगे। तो देखिए ये हमारी जो ये स्टेप थी इसको हम लगाएंगे, तो इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। इस साइड ब्लाउज की लेंगे, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब इसके बाद देखिए पट्टी को इसके ऊपर फोल्ड करेंगे, तो यहाँ से इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके एक सिलाई हम लगा देंगे। देखिए इस तरीके से ये हमारी पट्टियाँ लग गई हैं। अब इसके बाद देखिए जो हमने ये स्टेप सिली थी ये हम इनमें लगा देंगे। तो ये हमारी पट्टियाँ लग गई हैं, अब हम इसको एक बार आयरन कर लेते हैं। तो देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन हमारा बन गया है और हमारा नेक भी डीप हो गया है और जो हमारी ये नेक वाली जो राउंड थी, नेक लाइन थी, वो भी एकदम परफेक्ट तरीके से आई है। और बैक में हम इन्हें ये स्टेप लगा दी हैं, इनको हम इस तरीके से बांध देंगे। तो देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन हमारा बन गया है, सिर्फ हमें आगे वाला तैयार करना है और इसके साथ अटैच कर देंगे। तो अगर आपके पास भी इस तरीके के ब्लाउज आते हैं तो आप उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से करें, अगर आप यहाँ से ही इसको कट करते तो बहुत ही ज़्यादा भद्दा लगता। तो अब देखिए हमारा ब्लाउज़ कुछ भी कटा हुआ भी नज़र नहीं आ रहा है और एकदम सुंदर डिज़ाइन हमारा ये बन गया है। तो ये देखिए ये ब्लाउज़ का हमारा फाइनल लुक है। तो देखिए कितना सुंदर तरीके से हमारा ये ब्लाउज़ बना है और बैक नेक इसका कुछ इस तरीके से है। तो आप भी इस तरीके के ब्लाउज़ को इस तरीके का लुक दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।